नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप देख रहे AHN न्यूज। करुआ बाबा पुरानी बस्ती, जनता की परेशानी, अमन गार्मेंट्स करुआ बाबा, सुंदर टॉकीज, पंचायती मंदिर, सभी को सील किया गया है। वहां के लोगों का कहना है 14 दिन पूर्ण होने के बावजूद भी प्रशासन पूर्ण रूप से इसका पालन नहीं करा पा रही है। यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। दूध डिलीवरी, होम डिलीवरी आदि सभी सामानों की दिक्कत हो रही है। आए दिन कंटेनमेंट एरिया में बावजूद भी दुकानें खोली जा रही हैं। RP पांडे जी का कहना है कि जो सील हुआ उसको खोला जाए। प्रशासन जरा से भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। आए दिन भी क्षेत्र में अधिकारी कभी देखने नहीं गए यहाँ के लोगों का क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। सरकार तो कहती है कंटेनमेंट एरिया में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, पर ये लोग काफी परेशान है। करुआ बाबा के चौराहे के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ बैरिकेडिंग को लगाए 14 दिन पूर्ण हो चुके हैं, इसको खोला जाए। गणेश कौसादन, कन्हैया लाल, मनीष कुमार, अजय मदन लाल, इन लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। यहाँ के निवासी आदि मौजूद रहे। बस्ती से राजन कुमार की खास। जब से लॉकडाउन हुआ है जी, COVID-19 के अंतर्गत, तब से कोई भी अधिकारी इस क्षेत्र में पूछने तक नहीं आया कि आपको भोजन पानी कैसे चल रहा है। आपका लॉक कर दिया आपने, वहाँ से लेकर के पंचायती मंदिर से लेकर के अमन गार्मेंट तक, और उसके बाद इधर सुंदर टाकीज तक, इतने क्षेत्र के लोगों से किसी का दुख दर्द जानने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया। उधर भी लाख है, नरहरिया तो पूरा लाख। जब ऐसी समस्या है तो कम से कम क्षेत्र अधिकारी को तो सोचना चाहिए कि यहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में जानकारी करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आप हमारे चैनल के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि कम से कम यहाँ की समस्याओं को सुनने के लिए अधिकारी को तो आना चाहिए। यहाँ कोरोना भी नहीं है, अजना नहीं है, यहाँ खोलना चाहिए कम से कम लोगों को। जैसे पांडे बाजार खुल गया वैसे यहाँ पे भी खुलना चाहिए। जो खाते हैं उनकी जीविका उपार्जन कैसे होगा? कोई चाय बेच करके जीता है, कोई कुछ बेच करके, कोई सब्जी बेच करके। हर आदमी तो बड़े आदमी तो है नहीं कि रखा हुआ उसके पास करोड़ों रुपया के, खा करके उसकी जीविका उपार्जन हो जाएगा। किसी को तो पूछना चाहिए भैया कैसे जी रहे हो जी। केस भी नहीं है, उसके बाद भी लॉकडाउन क्यों हुआ है? यहाँ एक ही केस है इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में कहीं जो कि सही हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी ये जबरन लॉकडाउन किया गया यहाँ पर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये हटना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? पड़ेगा नहीं तो खर्चा कहाँ चलेगा? हाँ बोलिए, क्या कहें, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं कि हमारे इस इलाके से लॉकडाउन की व्यवस्था खत्म हो, सब लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सक्षम हो। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो DM SDM सारी प्रशासन व्यवस्था, इसकी व्यवस्था करे लोगों के दुख दर्द को जानने के लिए। आप मेरे चैनल के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? मेरे चैनल के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? अब जो हमको निष्कर्ष आपने हमने आपको बता दिया, और क्या कहना है इसके बाद, क्या कहना है? कथा का निचोड़ हमने आपको बता दिया। अरे चलो बैठ जाओ, पहले देखो कि फंदा हो गया है। लोग 14 भी पूरा हो गया, 14 भी पूरा अगर अपने डाल दिए भाई।